वेलकम डेटा इनइक्वालिटी। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आप जानते हैं ज्यादातर एग्जाम में डेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ये जो सेट है ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन इससे नहीं आए, पर इस ये कोई जरूरी नहीं है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और हर एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा सेट है। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, देखने पर लगता है कि कुछ पेचीदगियां हैं जबकि वो है बहुत सिंपल। तो आइए बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो आंसर देना है आपको इंफॉर्मेशन कि आंसर दीजिए इफ एक्स इज लेस देन वाई, टू दीजिए इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, थ्री दीजिए इफ x इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड फोर दीजिए इफ x इज ग्रेटर देन y एंड फाइव आंसर होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये है, हर क्वेश्चन में टू इक्वेशन दिए गए हैं, उनसे वैल्यूज निकालने हैं एक्स का और वाई का और उसके आधार पर आंसर देना है कि उनके बीच क्या रिलेशन है। दो चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट, इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। तो इसमें बाकी सब के मीनिंग एकदम क्लियर हैं, समझ में आ रहे होंगे, सिर्फ किन्हीं किन्हीं को दिक्कत होती है। तो इसमें थर्ड में वो भी एक्स इक्वल टू वाई आपको समझ में आता है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश का मतलब यह है कि जो रिलेशन यहां दिए गए हैं उनमें से कोई एस्टैब्लिश नहीं होगा, कुछ और होगा, यानी एक्स वाई से लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये समझ गए। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने डेटा इनइक्वालिटी के इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, बार बार उन्हें बताया है, आज भी शॉर्ट में बोलूंगा कि देखिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स के जो मान होते हैं, वैल्यू होते हैं, वो अल्फा बीटा होते हैं। कैसे निकलता है करके दिखाता हूं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये 30x स्क्वायर है प्लस 11x है प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको लेते हैं विद साइन, ये क्या है प्लस 30, और जो कांस्टेंट है उसको लेते हैं विद साइन और ये मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इनटू प्लस प्लस, यानी ऐड करके आना चाहिए, और ये जो 30 है इसको ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, टू नंबर्स बनाते हैं जिनको ऐड करके ये आना चाहिए, ये आना चाहिए माने प्लस एक्स, ये बीच में 11 है ना 11, इसी 11 को रिप्लेस करना है, इसी 11 को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, ऐड करके 11 आना चाहिए। तो देखिए 15 और 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि 15 और 2 तो 17 हो जाएगा, लेकिन 6 एंड 5 लेंगे, तो 6 प्लस 5, ये समझ गया। तो ये हम लोग डायरेक्ट कर सकेंगे, पहले एक बार मैं करके दिखाता हूं। फिर दूसरी बात यह है, यहां पर प्लस है, हमको माइनस लाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनके साइन उलट जाएंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, और एक्स स्क्वायर है 30x स्क्वायर नहीं है तो हम थ्रू आउट 30 से डिवाइड कर देंगे, कहां पर क्या असर पड़ता है वो मतलब नहीं है, यहां पर क्या असर पड़ता है सिर्फ इससे मतलब है, और आगे क्या आएगा जो आएगा वो आएगा, वो सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमारा उस शेप में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, समझ गए, यानी यहां से क्या वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू क्या निकला, एक्स का वैल्यू निकला कि माइनस 1 बाई 5, देखिए
माइनस वन बाई फाइव और माइनस वन बाई सिक्स। बोलिए ये समझे। इसी तरह से हम सेकंड वाले का निकालते हैं। एक बार मैं करके दिखाता हूं फिर डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे ये 42 वाई स्क्वायर है प्लस 13 वाई है प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये फर्स्ट का सेकंड वाला इक्वेशन आप गौर करें, प्लस इंटू प्लस प्लस 42 इंटू 1 42, इसको ब्रेक कीजिए, ऐड करके 13 लाना है, 7 इंटू 6 दिख रहा है, 7 इंटू 6 46 को 42 को ब्रेक किया 7 इंटू 6 और लिखा 7 प्लस 6, लेकिन यह प्लस है, माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस हो गया, उलट गया, और 42 से डिवाइड कीजिए, 42 से डिवाइड कीजिए। आगे सोचना नहीं है कहां पर क्या आ रहा है, हम सिर्फ यहां पर क्या असर पड़ रहा है उससे मतलब है। ये माइनस वन बाई सिक्स आया और माइनस वन बाई सेवन आया। ये वाई का वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स आया और माइनस वन बाई सेवन आया। अब नंबर लाइन पर अगर आप दिखाएंगे, नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो कौन कहां आएगा। देखिए ये माइनस वन बाई फाइव होगा, ये माइनस वन बाई सिक्स होगा, ये माइनस वन बाई सेवन होगा। आप गौर कीजिए, एक्स का वैल्यू ये दोनों में से कोई है, वाई का वैल्यू इन दोनों में है। एक्स या तो वाई के बराबर है या वाई से छोटा है। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई को क्या बोलते हैं, टू इज द आंसर, ठीक है। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग यहां पर डिटेल नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट वही निकालेंगे। कैसे हुआ ये तो आप समझ चुके हैं, हमें सिर्फ जो चेंज करना है वो यहीं पर करना है। हाँ एक बात जरूर है कि इसको कंबाइन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाता है। और देखिए वन प्लस इंटू प्लस प्लस वन इंटू रूट टू रूट टू और रूट टू इंटू वन को रूट टू प्लस वन लिख दिया, यानी लिखा हुआ है, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है। एक्स का वैल्यू वन और रूट टू आया। ठीक इसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थ्री वाई है प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वन प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू वन तो 2 प्लस 1, लेकिन यहां माइनस है ऑलरेडी इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 प्लस 1, ठीक है, यहां माइनस ऑलरेडी है कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 एंड 2 इसका वैल्यू आया। हम लोग क्या देख रहे हैं यहां, x का जो वैल्यू आया वो आया 1 और रूट 2, और y का जो वैल्यू आया क्या आया, देखिए 1 और 2, 1 y का वैल्यू 1 और 2। हम लोग अगर नंबर लाइन पर दिखाएं तो क्या दिखता है वो देखिए, 1 अगर यहां है तो रूट 2 यहां है और 2 यहां है। आप गौर कीजिए, इसे यदि हम जो रूट 2 बोले, इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, तो हमें दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो तो ठीक है, ये दोनों है, लेकिन जो y का वैल्यू है वो 1 और 2 दोनों है। यानी कहने का मतलब x का जो वैल्यू है ये तो दोनों है, लेकिन y का जो वैल्यू है वो ये दोनों है। इसका मतलब साफ है कि x का ये जो रूट टू है y के इस वैल्यू से स्मॉलर है और इस वैल्यू से ग्रेटर है, तो x जो है y से स्मॉलर भी हो सकता है और ग्रेटर भी, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सो रिलेशन आउट ऑफ दीज नो वन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, तो इसका मतलब हुआ आंसर इज 3। थ्री में क्या है, थ्री में इक्वल भी है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। ठीक है समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद आ जाइए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे उसी तरह से, आप कॉमन लेते हैं क्योंकि यहां इसी तरह का मामला है। हमने कॉमन लिया तो 2 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 2 रूट 5, देखने पर लगता है रूट वगैरह है लेकिन कुछ नहीं है, यहां क्या है प्लस इंटू प्लस प्लस,
और 1 into 2 root 5, इसको बोल सकते हैं 2 into root 5 और 2 plus root 5। देखिए तो इन्हीं दोनों को ऐड करके आया है, लिखा हुआ है x का वैल्यू साफ साफ होगा 2 और root 5। तो x का वैल्यू होगा 2 और root 5, ठीक है। और ठीक इसी तरह से ये समझ गए, ठीक ऐसे ही ये वाला छोड़ देते हैं, समझ गए। और इसी तरह से हम लोग अगर सेकंड वाला निकालते हैं, फर्स्ट से आया और सेकंड से निकालते हैं, तो y स्क्वायर माइनस उसी तरह से हम लोग √3 + √2 कॉमन ले लें, y प्लस √6 = 0। तो हमें दिखता है प्लस इंटू प्लस प्लस 1 into √6, रूट सिक्स मतलब √3 into √2 और √3 + √2 लिखा हुआ है, अरेंज्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही तो है। जल्दी बोलिए, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू हुआ y = √3 और √2, यही तो है। अब जरा गौर कीजिए ये क्या है, अगर हम नंबर लाइन पर दिखाना चाहें, नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो 2 का मतलब √4, तो 2 यहां है और √5 यहां है और यहां पर देखिए √3 है और यहां √2 है। ऑब्वियसली y का वैल्यू यहां है और x का वैल्यू यहां है, x के हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू छोटा है, x is greater than y का मतलब answer is 4। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, x is greater than y। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोर्थ नंबर वैसे ही करते हैं, ये तो साफ दिख रहा है a² + 2ab + b², इसे हम लिख सकते हैं a + b² = 0। इससे निकला कि x = -6 और यहां हम जानते हैं कि y का जो वैल्यू होगा वो इस ±√16 यानी कि ±6। अगर हम नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो हमें पता है 4 16 है ना, तो ±4। तो दिखाना चाहें तो हमें क्या दिखता है कि ये -6 है, कौन x, और यहां -4 होगा और यहां पर +4 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि y यहां पर है, x का वैल्यू -6 है, फॉर ऑल वैल्यूज x is less than y, हर मान के लिए x जो है y से छोटा है, सो आंसर इज 1। बोलिए समझ में आ रहा है। और लास्ट नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, देखिए गौर कीजिए, 9x² + 3x - 2 = 0 ±, लेस करके लाना है, 9 into 2 18 को 2 नंबर्स में ब्रेक कीजिए, एक में दूसरा लेस करने पर 3 आना चाहिए, यस 18 का मतलब 6 into 3। हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 minus 3 लिख दिया 3 की जगह पर, और यहां पर प्लस है, माइनस कॉमन लेने पर साइन उलट जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो दरअसल वो ये आएगा, बाकी से हमें मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से 8 into 1 8 हुआ, 8 को ++ ऐड करके लाना है, क्या लाना है 6, तो 8 को 4 into 2 लिखा, 4 into 2 लिखा और 4 + 2 लिखा, 4 + 2 करने से 6 आता है, लेकिन प्लस है तो साइन उलट जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो, और 8 से डिवाइड करेंगे 8 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें x² - लाना है या y² - लाना है, x² लाना है, कुछ नहीं रहना चाहिए इसके बीच में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू आया ये -2/3 आया और +1/3 आया, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या आया, -½ आया और -1/4 आया, देखिए -2/3 and 1 और इधर -½ and 1/4। अगर नंबर लाइन पर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखेगा, -2/3 यहां पर होगा ये वाला और 1/3 मान लीजिए यहां पर होगा, तो इसके बीच में होगा ये -½ और ये 1/4, यानी कहने का मतलब x का जो वैल्यू हुआ ये दोनों है, y का वैल्यू ये दोनों है, यानी ये दोनों वैल्यू जो हैं x के इससे बड़े हैं, इससे छोटे हैं,
relation can't be established. Answer is 3. Relation can't be established. तो आंसर इज 3. बोलिए ये समझ में आया कि नहीं. डेटा इनइक्वालिटी का सेक्शन ऐसा है कि आप इसके सभी 5 के 5 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, थोड़ा अलर्ट रहने पर बना सकते हैं विद इन 2 और 2.5 मिनट्स. तो अगर 2 या 2.5 मिनट्स में आप 5 क्वेश्चंस बना लेते हैं 100% एक्यूरेसी, तो मेन एग्जाम में ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वहां पर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है. Okay, all the best.